जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है। शाहरुख खान ने भरे मंच पर अपने बच्चों से किया ये बड़ा वादा। सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए साल 2023 शानदार रहा। वो 4 साल तक सिल्वर स्क्रीन से गायब रहे। फिर साल 2023 की शुरुआत में पठान से बड़े पर्दे पर दमदार वापसी करके सबको चौंका दिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा दिया था। इसके अलावा उनकी जवान और डंकी ने भी बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी। हाल ही में शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान उन्होंने अपनी दमदार स्पीच से सबको चौंका दिया था। अवार्ड फंक्शन से शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो अपने तीनों बच्चों सुहाना खान, आर्यन खान और अबराम खान से एक खास वादा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है किंग खान मंच पर नजर आ रहे हैं और उनके साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। वो कहते हैं, ये मैसेज मेरी पत्नी गौरी खान और खासकर मेरे बच्चों के लिए है। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है, एंटरटेनमेंट जिंदा है। जैसे ही किंग खान ये बात कहते हैं सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इसके अलावा शाहरुख खान ने खुलासा किया, जब उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी वो परेशान थे। किंग खान ने कहा, 4-5 साल पहले जब मेरी फिल्में नहीं चली मैं खुद से परेशान हो गया था। मैंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और फिर घर पर बैठ गया। उस वक्त मैंने घर पर पिज्जा बनाया, रोटियां बनाई, अपने बच्चों के साथ समय बिताया। इसके अलावा शाहरुख खान ने जवान की सक्सेस का सारा क्रेडिट डायरेक्टर एटली और उनकी पत्नी प्रिया को दिया। बताते चले, शाहरुख खान की फिल्म जवान पिछले साल 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी। इसमें नयनतारा ने हीरोइन का किरदार निभाया था। विजय सेतुपति खलनायक के रोल में दिखे। जवान में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने दमदार एक्शन और स्टंट सीक्वेंस से फैंस के होश उड़ा दिए थे। रिलीज के बाद जवान बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और पठान की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया भर में 1100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। आज के लिए बस उतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।